अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूं, यानी आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूं, और ये वीडियो आप लोग आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंशन के रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से काफ़ी लोगों ने वीज़ा एक्सटेंड किया मेरी वीडियो देख के। आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो वीडियो कुछ हमने अपलोड की है, जिसको देख के लोगों ने जो है अपना अपना वीज़ा एक्सटेंड किया। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा, उन्होंने छोटी सी मिस्टेक की, और कुछ इंश्योरेंस कंपनी की मिस्टेक थी, तो कुछ लोगों का वीज़ा रिजेक्ट भी हुआ है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, मुझे मैसेज आया कि मुझे इंश्योरेंस करना है, मैं कैसे करूं, मेरे फैमिली के 4 मेंबर हैं, मैं कैसे करूं। तो इन्हीं सब बातों को, जो कन्फ्यूज़न है मेरे व्यूअर की, आने वाले जो मेरे व्यूअर हैं उनके लिए मैं सहूलियत के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूं कि उनको दिक्कत ना हो। तो इसमें कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, वीडियो को आप पूरी देखिएगा और समझिएगा, नहीं तो आपको फिर वही दिक्कत होगी और जो पहले हुई है, और उसमें आपका नुकसान है। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए कि मैं आप लोगों तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाता रहूं। दोस्तों, पहली बात यह है कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया है कि कौन कौन से इंश्योरेंस बेटर है, किससे करना चाहिए। तो अभी जो मुझे लेटेस्ट जानकारी मिली है, एक लड़का था, उसका मैंने ही किया था सब कुछ, और उनके मतलब 2 मेंबर का था, तो एक का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और एक का नहीं हुआ। अच्छा, नहीं होने के पीछे दोस्तों वजह थी, वो ये थी कि उन्होंने इंश्योरेंस किया था, इंश्योरेंस कर हमको सब कुछ दिया था, लेकिन उन्होंने अरबियन शील्ड का इंश्योरेंस किया था, जो कि दोस्तों अपडेट नहीं हुआ था, इस वजह से उनका रिजेक्ट हो गया था। फिर हमने लाजी तकाफुल का इंश्योरेंस करके किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका वो हो गया। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस करते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरे चैनल पे देखेंगे कि रिसिप्ट कैसे चेक करना है, और उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा दोस्तों कि कैसे आपको चेक करना है। तो आप जाके इंश्योरेंस करने के बाद रिसिप्ट आप चेक कर लीजिए, उस रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेके उसको ही पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करिए दोस्तों। उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी, उसको आप देख लीजिएगा, नहीं तो जैसे उनके साथ हुआ वैसे आपके साथ भी होगा, और अगर आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो फिर आपके फैमिली को एग्जिट एंट्री करना पड़ेगा, आपका काफी नुकसान होगा दोस्तों। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी, उसको कैसे चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों यह थी कि अभी तक मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है कि अल्लाजी तकाफुल का जो इंश्योरेंस है वो बेटर है, पैसे में भी और काम भी बहुत अच्छा कर रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि अरबियन शील्ड के इंश्योरेंस में जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दिया। आप किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस करिए, लेकिन वेबसाइट पर जाके चेक करिए कि वो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसी रिसिप्ट को आप लगाइए अटैच फाइल में, और इंश्योरेंस की एक्सटेंड वीजा की जो है रिक्वेस्ट डालिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके अलावा अल्लाजी तकाफुल का जो है इंश्योरेंस वो बेटर है, उसी को आप लोग करिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि उसका अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, काफ़ी मुझे कमेंट आया, मैसेज आया कि भाई मेरे फैमिली में 4 मेंबर हैं, क्या मैं एक एक मेंबर का अप्लाई करूं या चारों का साथ में करूं? तो दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो मैंने देखा है, जो मेरे सामने आया है, क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करता हूं और सब यूट्यूबर के तरह, जो एक्सपेरिमेंट करता हूं, जो मेरे सामने आता है, जो प्रॉब्लम आती है, उसको देखते हुए आप लोगों के तक मैं नई वीडियो के जरिए नई जानकारी पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, पहली बात यह, अगर आपके फैमिली में 4 मेंबर है, 3 मेंबर है, 2 मेंबर है, तो आप लोगों को एक साथ फाइल बना के एक साथ रिक्वेस्ट डालनी है दोस्तों, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर रिक्वेस्ट डालते वक्त उसमें आता है, रेड एरर आता है कि रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन नहीं सही है, तो जो लोग डॉट स्लैश ये सब इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल ना करके सिर्फ स्पेस का इस्तेमाल करें, और चारों लोगों का डाटा, तीनों लोगों का डाटा नंबर वाइज साथ में इंटर करें, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऊपर लिख दें, डियर सर
आई रिक्वेस्ट टू माई फैमिली विजिट वीजा एक्सटेंड, ऐसा कुछ भी एप्लीकेशन टाइप, उसके बाद आप सबका डिटेल एक साथ में डालिए और सबकी फाइल को एक साथ में अटैच करके 1 MB से कम आप अपलोड करिए, आपका हो जाएगा। अगर आप ऐसा ना करके एक मेंबर का करेंगे, क्योंकि अभी मुझे आज ही एक मैसेज आया है, उन्होंने उनके दो मेंबर थे, उन्होंने एक मेंबर का किया, बाद में उनकी रिक्वेस्ट नहीं हो रही है, वो परेशान हुए। अगर वो हमसे पहले कॉन्टेक्ट करते तो उनको ये दिक्कत ना होती। अगर आप एक मेंबर का कर देंगे तो एक मेंबर का होने के बाद दोस्तों जब तक वो वीजा एक्सटेंड नहीं होगा या वो रिक्वेस्ट कैंसिल नहीं होगी, आप दूसरी रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हैं। तो अगर आपके वीजा एक्सटेंशन में 4 दिन का टाइम है, अगर आपने न्यू रिक्वेस्ट डाला 4 दिन अगर उसी में चला गया 3 दिन, तो वो तो आपका एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन दूसरे मेंबर का नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आप लोग साथ में रिक्वेस्ट डालिए, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा भी अगर किसी दोस्त को, किसी भाई को कोई दिक्कत होती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी कि कैसे आपको अपना इंश्योरेंस चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी दोस्तों कि कैसे आपको अपना इंश्योरेंस करना है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मेरा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको अपने फैमिली विजिट वीजा को एक्सटेंड करना है, कैसे रिक्वेस्ट डालनी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारी वीडियो को भी देखा करें और सपोर्ट किया करें, क्योंकि मैं अपना डाटा चेक करता हूँ, मेरे उसमें शो करता है कि 90% लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ 10% लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस छोटे भाई का सपोर्ट होगा तो मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुझे और भी बनाने में अच्छा लगेगा दोस्तों। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।